28 या 29 अगस्त कब है अजय एकादशी, जान लीजिए तिथि, शुभ योग और पारण का सही समय और अजय एकादशी का महत्व। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अजय एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में अजय एकादशी व्रत को बहुत महत्व दिया गया है। अजय एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और विधि विधान से व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से समृद्धि भी आती है और जीवन सुखमय बना रहता है। आइए जानते हैं अजय एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ समय और इसका महत्व। सबसे पहले जान लेते हैं कब है अजय एकादशी। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 29 अगस्त गुरुवार देर रात 1:19 से होगा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त 30 अगस्त दिन शुक्रवार को देर रात 1:37 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार अजय एकादशी 29 अगस्त को मनाई जाएगी। अजय एकादशी व्रत में दो शुभ योग भी बन रहे हैं। जी हाँ, 29 अगस्त को अजय एकादशी के दिन दो शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें पहला शुभ योग है सिद्धि योग और जो सुबह 6:18 तक रहेगा। इस बीच दूसरा योग सर्वार्ध सिद्धि योग है, जो 30 अगस्त को शाम 4:39 से शुरू होगा, जो कि अगली सुबह 5:58 तक रहेगा। ये दोनों ही योग पूजा पाठ के लिए अच्छे हैं। इस दौरान आप जो कार्य करेंगे वे सफल सिद्ध होंगे। व्रत के दिन अर्धा नक्षत्र सुबह से शाम 4:39 तक रहेगा। अब अजय एकादशी में पारण का क्या काल होगा ये भी सुन लीजिए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अजय एकादशी व्रत का पारण काल 30 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7:39 से 8:31 तक रहेगा। इस प्रकार व्रत का पारण करने की कुल अवधि 42 की ही रहेगी। अजय एकादशी का क्या महत्व होता है ये आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। हिंदू धर्म में अजय एकादशी बहुत महत्व रखती है। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक बेहतरीन अवसर माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से साधक सभी प्रकार के पापों से मुक्ति पा जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान शुभ फल मिलता है। यह उपवास न केवल समृद्धि और भौतिक कल्याण लाता है, बल्कि आध्यात्मिक प्रगति में भी योगदान देता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।